सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर न्यू डायरेक्शन। आज की वैकेंसी आ रही है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन से, यहाँ पर असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन आप www.opsconline.gov.in से कर सकते हैं। 19 अगस्त से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 18 सितंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 21 सितंबर तक ऑफलाइन इसके लिए फीस चालान जमा कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 44,900 रुपये, यहाँ पर लेवल 10 तक आपको सैलरी दी जाएगी। अब वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी नंबर है 65 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से यूआर को 37, एसईबीसी को 2 और एससी को 13, एसटी को 13 पद यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। कुछ पद यहाँ एक्स सर्विसमैन विकलांग व्यक्तियों के लिए और स्पोर्ट पर्सन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखे गए हैं। एक एक पद हैं लगभग, आप यहाँ पर देख पाएंगे। मिनिमम आयु इसके लिए आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 32 वर्ष। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 को आपकी की जाएगी। एससी एसटी और ओबीसी रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर आयु सीमा में छूट नियमानुसार जो दी जाती है वो छूट यहाँ पर मिलेगी। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर आवश्यकता आपकी पड़ने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपकी चाहिए इन फ्रेशरी साइंस में, यानी कि बीएफएससी में, आप किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपके पास। इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो एग्जामिनेशन फीस आपको 400 रुपये यहाँ पर देने पड़ेंगे। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको यहाँ पर 400 रुपये की फीस जमा करनी रहेगी। फीस आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और किसी भी डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन आप कर सकते हैं या फिर SBI से चालान भी कटवा कर फीस जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन की तो साथियों, HSC यानी हाई स्कूल का 20% यहाँ पर लिया जाएगा, टू साइंस का, इंटर का यहाँ 20% लिया जाएगा और उसके बाद BFSC अगर आपने कर रखा है तो उसका, वो तो सर्टिफिकेट जरूरी है, उसका 60% यहाँ पर लिया जाएगा और उसके अनुसार यहाँ पर आपका कट ऑफ बनेगी। फिर वाइवा टेस्ट होगा, उसमें 100 में से आपको कुछ 9 मार्क्स मिलेंगे वाइवा के अनुसार। उसके अनुसार यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने पर ओडिशा राज्य में आपको नौकरी दी जाएगी। आप कहीं के भी हों, आपको उसी जगह पर नौकरी करनी पड़ेगी और आवेदन आप कोई भी अभ्यर्थी कहीं के भी हों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये हो गई पूरी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब जो अभ्यर्थी ये सब चीज़ें क्वालिफिकेशन वगैरह सब रखते हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए शुरू हो चुके हैं 19 अगस्त से। ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। www.opsconline.gov.in से आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है और इसी से आपको ऑनलाइन फीस भी जमा करनी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इनका टेलीफोन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, आप सुबह 10:30 बजे से शाम को 5 बजे तक इस पर फोन करके सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हो उनको देख सकते हैं। अगर फीस चालान वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी नंबर दिया है, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो उस समस्या को हल करवा सकते हैं यहाँ से फीस प्रॉब्लम में। तो आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है यहाँ पर, और फीस के लिए 21 तारीख है और ऑनलाइन आवेदन 18 सितंबर, फीस के लिए 21 सितंबर। तो इस वैकेंसी की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।